शौर्य जागरण यात्रा बिजनौर के धामपुर रामलला मैदान पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया तथा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष चौधरी अरुण कुमार एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ 1 अक्टूबर को मेरठ से शुभारंभ हुआ है। यात्रा रथ पर राम मंदिर का स्वरूप लेकर चली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर में जनवरी माह में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त एवं हिंदू समाज में जन जागरण और हिंदू युवा में नशा मुक्ति की प्रेरणा और सभी प्रकार के दृष्टिजनों से दूरी बनाना, इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस शौर्य जागरण यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, यह यात्रा एक गौरव गाथा, इस यात्रा की एक गौरव गाथा है। इस यात्रा के माध्यम से हिंदू धर्म में जागरण पैदा करना। यह यात्रा उन वीर बलिदानियों की पराक्रम की गाथा है जिन्होंने अपना बलिदान देकर आज हमें राम मंदिर जैसी महान स्मृति की सौगात हमें प्रदान की है। उन बलिदानियों के कारण आज हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। शौर्य जागरण यात्रा में कहां से शुरू हुई है, कहां तक जाएगी और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सहारनपुर से प्रारंभ हुई है और मुरादाबाद तक जाएगी और ये समाज को जगाने के लिए यात्रा निकल रही है, क्योंकि आज हमारा हिंदू समाज जो जागृत रहना चाहिए था उतना जागृत नहीं है धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा का समापन कब है, कहाँ पर होगा? ये इस यात्रा का समापन मुरादाबाद में होगा 15 अक्टूबर को।